कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। इस दौरान कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साध दिया। सोनिया गांधी ने कहा कि 21 दिन का लॉकडाउन जरूरी था, लेकिन इसे अनियोजित तरीके से लागू किया गया है। लॉकडाउन के कारण लाखों मजदूरों को उत्पीड़ित किया जा रहा है। मोदी सरकार से मांग करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार को डॉक्टरों, नर्सों और चिकित्सा कर्मचारियों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण प्रदान करना चाहिए। सरकार को नामित अस्पतालों, बेड की संख्या, क्वारंटीन और परीक्षण सुविधाओं के साथ साथ चिकित्सा आपूर्ति का विवरण प्रकाशित करना चाहिए। फसल कटाई के लिए किसानों पर लगा प्रतिबंध तुरंत हटा देना चाहिए। केंद्र सरकार से मध्यम वर्ग के लिए एक सामान्य न्यूनतम राहत कार्यक्रम तैयार करने की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकारों, फ्रंटल संगठनों, हमारे नेताओं और कार्यकर्ताओं को आगे आना चाहिए और उन परिवारों को अपनी मदद की पेशकश करनी चाहिए जो अत्यधिक जोखिम में है। मजदूरों के पलायन पर गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम 2 महीनों से कोरोना पर नजर बनाए हुए हैं और विशेषज्ञों से बात कर रहे हैं। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जो मजदूरों के रहने, खाने और उनके राशन की व्यवस्था किए बिना लॉकडाउन का ऐलान कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।